बिना टाइम ट्रेवल किए आज मैं अपने कल से मिलने जा रहा हूँ, और वो कल है मेरे सुपर सीनियर बिग बॉस विवेक सर। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब इन्होंने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया था। लगभग 20 साल बाद जब इन्होंने मैनेट में कदम रखा तब बहुत कुछ बदल चुका था। वो दिन भी क्या दिन थे, पर आदतें अभी भी हमारी तरह 20 साल वाली थी। जन्नत की गली सॉरी गर्ल्स हॉस्टल के सामने से जाते वक्त इन्होंने बताया कि कैसे बांसुरी बजाते बजाते इन्हें अपनी राधिका मिली थी, पर बाद में उसे कोई अनंत ले गया। खैर, हॉस्टल की मेस का खाना बॉस के अनुसार अब कम टेस्टी हो चुका है, पहले से अच्छा नहीं है। थोड़ा समय तो लगा बॉस को अपने हॉस्टल में अपना कमरा ढूंढने में, पर जब मिला तब शायद एक एक दीवार ने बॉस को पहचान लिया। खैर, 40 का होने के बाद भी बॉस ने अपने आप को जिस हिसाब से मेंटेन किया हुआ है लगता है कि शायद मार्केट में संतूर साबुन का मेल वर्जन भी आ चुका है। ये लाल ब्लेजर कोई आम नहीं है, डिग्री लेते वक्त बॉस ने यही ब्लेजर पहना था, जिसके बाद राधिका ने बॉस को कॉम्प्लीमेंट दिया था कि स्मार्ट लग रहे हो। हम लोग साथ मिलकर इतना घुल मिल गए कि बॉस और हमारे बीच का एज डिफरेंस कोने में बैठकर रोने लगा। टेकरी पर बैठकर बांसुरी बजाते बजाते एक बात बॉस ने सिखाई कि लाइफ में पैसा तो हम बहुत कमा लेंगे, पर उससे कभी वो खुशी नहीं खरीद पाएंगे जो हमें आज हो रही है। सारी उम्र हम